सिद्धांत अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत के लेसन में कल के आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में बताया था। आज हम आपको एकल वस्तु की दिशा में मांग की उत्पत्ति या आसमान उपयोगिता नियम के बारे में बताएंगे। नीचे एक ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है और इसमें मात्रा एक्स एक्सिस पे दी है किसी वस्तु की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और कीमत उसकी दी हुई वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 पे मात्रा 0 है, 40 पे मात्रा 5 है, 30 पे मात्रा जो है वो 10 और 20 के बीच में 15 है और 20 पे जो मात्रा है वो 30 है और 10 पे मात्रा जो है 50 और 60 के बीच में 55 है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत कम होती है वस्तु को खरीदने की क्षमता आगे बढ़ती जाती है, मतलब कीमत कम होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे ये मांग का नियम भी कहलाएगा। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा और इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवां वक्र होता है। इसके आगे हमने आपको बताया था कि अभी बताया 40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति की एक्स वस्तु की 5 इकाइयों की मांग थी और वस्तु की छठवीं इकाई 5वीं इकाई से कम महत्व की होगी। व्यक्ति छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत रुपये 40 प्रति इकाई से नीचे गिर जाएगा। अतः आसमान सीमांत उपयोगिता नियम ये स्पष्ट करता है कि मांग वक्र का ऋणात्मक दाम क्यों होता है, मतलब कीमत बढ़ने पे मांग घट जाती है और कीमत घटने पे मांग बढ़ जाती है। आगे हम आपको क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बताएंगे। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में मापन इसका एक बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्या के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते, अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं, यानी ये चीज हमारे लिए कम उपयोगी है या ये चीज हमारे लिए अधिक उपयोगी है। तो यहाँ नीचे हम एक ग्राफ से आम और केले का एक ग्राफ प्रदर्शित किए हुए हैं। तो इस ग्राफ में देखिए कि एक अंधिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे, वो उसी अंधिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वो मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब यह है कि आम और केला उसके पास ऑप्शन है, तो अगर आम को बढ़ा रहा है तो केला को घटाना पड़ेगा या आम को घटा रहा है तो केले को बढ़ाना पड़ेगा। तो आमों की वो मात्रा आमों या केला की वो मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। आगे हम आपको आसमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम का प्रदर्शन दिखाएंगे। तो एक सारणी बनी हुई है, पहले कॉलम में संयोग है ए बी सी डी, दूसरे में केलों की मात्रा है 1, 2, 3, 4, आमों की मात्रा 15, 12, 10, 9 है और सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS जो है लास्ट कॉलम में है। तो अब जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर जो निकाला गया है वो इस तालिका से आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हम केलों की संख्या को बढ़ाते हैं, जैसे 1 से 2 कर रहे हैं, तो केले की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग किए जाने वाले आमों की मात्रा गिरती जाती है। मतलब जब केला 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 आम थे और जब केला 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमों का त्याग करना पड़ रहा है तो क्या हो गया 12। तो फिर केला हमने 3 इस्तेमाल किया तो आमों का और त्याग करना पड़ा, है ना। तो अन्य शब्दों में केलों की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम हो जाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कम हो जाता है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र क्या है। अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र वो वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न सहयोगी को व्यक्त करता है
जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अंशुमान वक्र की आकृति बताने जा रहे हैं। आसमान सीमान प्रतिस्थापन का नियम अंधिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। इसका कारण क्या है? एक अंधिमान वक्र बनाकर हम देखेंगे। एक अंधिमान वक्र की ये अति सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है, ये समान रहती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। तो इसमें जो है संयोग दिए हैं ए बी सी डी। पहले कॉलम में 5 रुपए के नोटों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 8, 7, 6, 5 है और इनका सीमांत प्रतिस्थापन दर अगले कॉलम में है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के नोटों का योग वही रहता है, जैसे पहले कॉलम में आप 1 + 8 = 9 आ जाएगा, दूसरे में 7 + 2 = 9 आ जाएगा, यानी नोटों और सिक्कों का योग जो है वो वही रहता है, तो उपभोक्ता तटस्थ है, स्थिर है। उपभोक्ता के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले अथवा 5 रुपए का एक नोट। इसलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपए के कितने नोट है, उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के बदले केवल एक 5 रुपए का सिक्का त्याग करेगा। इसलिए उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है। तो ये जो ग्राफ से आपको दिख रहा है इसमें उसमें है उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्कों का त्याग करता है जब प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपए का नोट होता है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में अंधिमान वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं के अंधिमान वक्र एक सीधी रेखा होती है, जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये वक्र जो है एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट हम बताएंगे एक विशिष्ट अधिमान के बारे में। उपभोक्ता अधिमानों के विषय में ये मान लिया जाता है कि अगर किन्हीं दो बंडल X1, X2 और Y1, Y2 में X1, X2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो और Y1, Y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा ना हो, तो उपभोक्ता Y1, Y2 के बजाय X1, X2 को अधिमान देता है। साइड में एक ग्राफ बना हुआ है अधिमान मानचित्र का। तो इसमें देखिए आप कि अंधिमान वक्रों का एक परिवार जो है वो तीर से है कि उच्च अंधिमान वक्र पर बंडल नीचे अंधिमान वक्र पर बंडलों की अपेक्षा ज्यादा पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अंधिमान वक्रों के लक्षण या विशेषताएं। पहला है अंधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलुआ होता है। एक अंधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलुआ होता है, इसका मतलब है कि अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यदि उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ मात्रा का एक्स वस्तु की कुछ मात्रा में वृद्धि होने पे त्याग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उपभोक्ता वाई की वस्तु वही अथवा अधिक मात्रा एक्स वस्तु के बदले प्राप्त करता है। दूसरा इसका गुण है उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। इसमें यह है कि जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक एक व्यक्ति सदैव उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। इसके बाद आपका तीसरा आता है दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो कारण हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दो वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो उससे एक इन दोनों का अंधिमान गलत हो जाएगा, विसंगत निष्कर्ष प्राप्त होगा। अतः दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसका ये भी है कि एक दूसरे को काटते हुए जो दो अंधिमान वक्र होते हैं परस्पर विरोधी परिणाम को दिखाएंगे। तो इसलिए दो अंधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आज हम यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको सारे टर्म्स इसके समझ में आए होंगे जो आज हमने पढ़ाया है, और ग्राफ भी अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो आप हमसे अलग से मैसेज से पूछ लेंगे। इसके आगे कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे।